हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर आंवला राइस। ये दिखने में जितना ब्यूटीफुल है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है, उतना ही ज़्यादा हेल्दी है और साथ ही बनाना बहुत ज़्यादा आसान। तो ऐसे हेल्दी टेस्टी आंवला राइस के लिए मैंने लिए हैं आंवला। ये क्वांटिटी में 200 ग्राम है, अगर काउंट करोगे तो ये अराउंड 10 है। उसके अलावा मैंने लिया है चावल, 200 ग्राम चावल को अच्छे से धो के भिगा के मैंने पका के रख लिया है। मैंने खिला खिला पकाया, इसके लिए हमें चावल खिले खिले ही पकाने हैं। उसके अलावा काजू, हरी मिर्च, अदरक, एक करिया पत्ती का स्ट्रिप है और हरा धनिया। उसके अलावा ये है उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली, जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, हींग और तेल है। सबसे पहले मैंने आंवला को अच्छे से धो लिया था, धो के टॉवल से पोंछ के इसका पूरा पानी पोंछ लिया। उसके बाद आंवला और अदरक को काट लिया है। अभी एक मिक्सी का जार लेके उसमें कटे हुए आंवला, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती डाल के मैं ग्राइंड कर रही हूँ। धनिया पत्ती डाल के मैं इसलिए ग्राइंड कर रही हूँ ताकि चावल का कलर एकदम हरा और सुंदर दिखे। आप चाहो तो धनिया पत्ती को चॉप कर भी डाल सकते हो। अभी मैंने इसको दरदरा ग्राइंड कर लिया। अब ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया, इसको मैं रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने रखा है एक पैन और उसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। डाल के जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है काजू। काजू डाल के मैंने फ्राई कर रही हूँ। ये मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अभी मार्केट में आंवला इजीली अवेलेबल है तो विटामिन सी से भरपूर आंवला को हमें हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। अभी काजू फ्राई हो गए हैं, मैंने निकाल रही हूँ। निकाल के अब सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ चना दाल, उड़द दाल, मूंगफली और जीरा सरसों डाल के मैं हल्का भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च डाल के मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। भून के जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँ हींग। हींग डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। ये राइस सेम वैसे ही बनता है जैसे हम लोग खट्टा चावल बनाते हैं। इंग्रीडियंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है और बनाने का प्रोसीजर भी सेम ही है। इमली की जगह यहाँ पे हम लोग आंवले का पेस्ट डाल रहे हैं। अभी मैंने डाला है आंवले का पेस्ट। ये पेस्ट आप बना के फ्रिज में स्टोर कर भी रख सकते हो 15 दिन तक, और जब भी आपको चावल बनाना है तब आप इस पेस्ट का इस्तेमाल करो, बहुत जल्दी चावल बन जाएगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी जस्ट मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें डाला है करिया पत्ती। करिया पत्ती आप चाहो तो तड़का लगाते समय भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के अभी मैंने गैस का फ्लेम स्लो करके 5 से 6 मिनट या तब तक जब तक कि इसमें का कच्चापन और इसका जो मॉइस्चर है ना निकल जाए तब तक हमें भूनना है। अब 6 मिनट बाद ये काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पके हुए चावल। अगर आंवले को हम लोग अच्छे से भूनते हैं तो चावल 2-3 दिन तक खराब भी नहीं होता है। अभी चावल डाल के मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये चावल बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत टेस्टी है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बनाओ, सभी के लिए ये बेस्ट है। इसके साथ आप रायता, दाल, अचार या सिंपल ऐसे भी खाओगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी मैं इनको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि चावल और आंवला का जो पेस्ट है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फ्राई किए हुए काजू। काजू डाल के बस हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी आंवला राइस बन के रेडी है। अब आप भी ये हेल्दी टेस्टी आंवला राइस ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।